हेलो छात्रों, दीक्षांत सिंटेक में स्वागत है आपका। आज आपके सामने प्रस्तुत है वर्ग पांच के लिए विषय हिंदी में पाठ बड़ा कौन। बड़ा कौन, इस पाठ में कवि, यह एक कविता पाठ है। इस पाठ में कवि यह कहते हैं कि आखिर इस दुनिया में बड़ा है कौन, कौन बड़ा है। छात्रों, इस पाठ को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चुटकुला है, छोटा सा चुटकुला एक मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि बड़ा कौन है। एक चूहा, एक बिल्ली, एक पहाड़, बादल, हवाएं, इन सब में बड़ा कौन है आखिर? जाहिर सी बात है छात्रों, आप कभी नहीं कहेंगे कि चूहा बड़ा है, परंतु पर्वत खड़ा ही रहता है और चूहा उसे चाल देता है, नीचे नीचे उसको खोखला कर देता है। बादल ने कहा कि मैं बड़ा हूं, सूर्य को भी ढक देता हूं, पूरी दुनिया में उजाला फैलाने वाले सूर्य को मैं बंद कर देता हूं और अंधेरा हो जाता है चौगुर। बादल ने कहा कि मैं बड़ा हूं, सूरज को ढक देता हूं। पर्वत ने कहा कि अरे बादल, मैं तो तुम्हारा रास्ता रोक देता हूं, मैं हवाओं को मूव करा देता हूं, मोड़ देता हूं, और हवाएं बादल को मोड़ देते हैं, हवाएं बादल को मोड़ देते हैं। और इस तरह से पर्वत बड़ा हुआ, परंतु जब चूहे की बारी आई तो बात ये हुई कि अरे पर्वत तो खड़ा रहता है, कैसे बड़ा हो सकता है, चूहा तो उसे नीचे से ही चाल के रख देता है, कोर के रख देता है, सुरंग बना देता है। इतने जगह से वो अपना सुरंग बनाता है कि पर्वत तनिक सा दबाव पड़ने पर बैठ जाता है। तो बड़ा, इस पाठ में कवि का कहना यह है कि बड़ा कौन है, कौन है वो बड़ा जिसे हम बड़ा मान सकें, बड़ा कह सकें, इसी बातों पर चर्चा की गई है इस पाठ में। आइए छात्रों, पाठ शुरू करते हैं। अधिगम संप्राप्ति क्या है? बड़ा शब्द का सही अर्थ समझना। बड़ा शब्द जो है, उस शब्द का वास्तव में क्या अर्थ होना चाहिए, यह अर्थ यहां से हमें समझना है कि बड़ा कौन है। बड़ा शब्द का सही अर्थ कि बड़ा ऊंचा होता है खजूर का पेड़, परंतु ऐसा बड़ा ऊंचा होता है कि ना पंथी को छाया दे पाता है और ना ही किसी को फल ही मिल पाता है। अगर कोई जाके इंतजार करते रहे फल का, तो ऊपर से अगर गिरता भी है फल, तो सीधे माथा को फोड़ देने के लिए गिरता है, वो आसानी से कोई लपक नहीं सकता। तो वैसे बड़ा होने से क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा, बड़े अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, वो तो समाज में 10 आदमी कहता है जिसको कि हाँ इनमें बड़प्पन है, जिनमें बड़प्पन हो वह बड़ा होते हैं, चरित्र गुण हो वह बड़ा होते हैं। वास्तव में इस संसार में बड़ा कौन है उन्हें जानना, इस संसार में बड़ा कौन है उन्हें समझना है। इस पाठ के अंतर्गत परोपकार, पर जोर उपकार, पर मतलब दूसरा और उपकार मतलब उनकी सेवा करना। तो पर के ऊपर जो उपकार करने वाले लोग होते हैं, पर के ऊपर जो उपकार करने वाले लोग होते हैं उन्हें परोपकारी कहते हैं, और उनके द्वारा किया गया कार्य परोपकार कहलाता है। स्वयं से
परोपकार करना और उसकी भावना को समझना। जब आप परोपकार का महत्व समझ लेंगे तो स्वयं से परोपकार करने लगेंगे और उसकी भावना को समझने लगेंगे। तथा अंतिम पॉइंट है कविता पाठ, कविता पढ़ना तथा उसके मर्म को समझना। मर्म का अर्थ होता है छात्रों अर्थ, अर्थ कहिए, भावार्थ कहिए, यह मर्म हुआ कविता की पंक्तियों का अर्थ या भावार्थ। आइए शुरू करते हैं पाठ। बड़ा कौन है मुझे बताओ, बड़ा कौन है मुझे बताओ, क्या जो हाथी पर चढ़ता है। बड़ा कौन है मुझे बताओ, क्या जो हाथी पर चढ़ता है, या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मढ़ता है। बड़ा कौन है, कभी कह रहे हैं कि आखिर इस दुनिया में बड़ा कौन है, जरा मुझे भी बताओ भाई बड़ा कौन है। क्या वो आदमी बड़ा है जो बड़ी जानवर हाथी पर चढ़ जाता है और खुद गलती करके दूसरे का दोष लगा देता है, वो बड़ा है। इस पंक्ति का भाव है भावार्थ। प्रस्तुत कविता बड़ा कौन है, देखिए जब भावार्थ लिखने को आता है तो यह लाइन जो है इस लाइन को हम एकदम कांस्टेंट रखते हैं। ये लाइन पक्की बात है कि लिखी जाएगी भावार्थ के अंतर्गत। क्या प्रस्तुत कविता बड़ा कौन है के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति में यह कहा है कि यह कॉमन रहेगा। अब इसका अर्थ, यह भाव है इसका अर्थ कि बड़ा कौन है, क्या वे लोग जो बड़ी सवारी हाथी पर चढ़ते हैं, या वे लोग जो अपनी चतुराई से स्वयं भूल करके दूसरों पर जबरदस्ती आरोप लगाते हैं। छात्रों मढ़ता एक शब्द है, मढ़ता, इस मढ़ता शब्द का अर्थ है जबरदस्ती। मढ़ता शब्द का अर्थ है जबरदस्ती, दूसरों पर मढ़ता है अर्थात जबरन, नहीं नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने किया ही, इसने किया, अपने गलती करके दूसरों पर लगा देना आरोप। तो वो अर्थात आप लोग संग संग याद कर सकते हैं छात्रों, चार चार लाइन का है। बड़ा कौन है मुझे बताओ, बड़ा कौन है मुझे बताओ, क्या क्या जो हाथी पर चढ़ता है, या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मरता है। बड़ा कौन है मुझे बताओ, बड़ा कौन है मुझे बताओ, क्या जो हाथी पर चढ़ता है, या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मरता है। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है मुझे बताओ, क्या जो हाथी पर चढ़ता है, या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मढ़ता है। अर्थ समझे हैं अभी हम लोग कि बड़ा कौन है मुझे भी बताओ जरा। कवि कह रहे हैं इस पंक्ति में कि क्या जो हाथी पर चढ़ता है वो बड़ा है, या वो जो अपनी चतुराई से खुद गलती करके दूसरों को उसमें फंसा देता है, कहता है कि मैंने तो नहीं, इन्होंने ये गलती की है, क्या वो बड़ा है। नहीं, कदापि नहीं हो सकता। वह तो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो ऐसा कार्य करता है, वह निम्नतर आदमी है, वह लघुता सोच रखता है, वह विचारवान नहीं विचारहीन है। उसके बाद कभी कहते हैं बड़ा कौन है मुझे बताओ, जिसके पास बड़ी दौलत है। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है
मुझे बताओ जिसके पास बड़ी दौलत है और गरीब मुहतजो से जिसको उतनी ही नफरत है और गरीब मुहतजो से उतनी ही जिसको उतनी ही नफरत है। अर्थात इसका भावार्थ क्या है, देखिए तो भावार्थ में जो कॉमन लिखना है सब में, प्रस्तुत कविता बड़ा कौन है के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति में यह कहा है कि बड़ा कौन है, क्या वे लोग जो बहुत दौलत के मालिक होते हैं, जिनके पास बेहिसाब दौलत हो वो बड़े हैं, लेकिन गरीब और जरूरतमंदों से नफरत करते हैं। नफरत का अर्थ होता है घृणा, नफरत का अर्थ होता है घृणा, नफरत करते हैं मुमतहीनों मुहतजो और गरीब मुहतजो से जिसको उतनी ही नफरत है। गरीबों का अर्थ हो गया गरीब और मुहतजो अर्थात जरूरतमंद जो होते हैं, मुहतजो का अर्थ होता है जरूरतमंद, जरूरतमंद अर्थात जिसको जरूरत हो। जरूरतमंद का मतलब क्या हुआ, एक आदमी है उसको आंखों से कम दिखता है तो उसको क्या चीज की जरूरत है, रसगुल्ला की या चश्मे की, चश्मे की तो चश्मा उसे मुहैया कराए, वो जरूरतमंद है चश्मे का तो उसको चश्मा मिला। अब एक आदमी बैठा हुआ है भूखा है कई दिनों से, दो तीन दिनों से भूखा है, उसको भोजन चाहिए और वहां जाके बैठ के आप उपदेश देंगे, बच्चा ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको तो बहुत आगे बढ़ना चाहिए, उसको कुछ समझ में आएगी नहीं आएगा बात उसे समझ में, क्योंकि बड़ा क्योंकि वह जरूरतमंद है, उसको जिस चीज की आवश्यकता है अगर वो आवश्यकता उसकी पूर्ति कर दी जाए तो उसके बाद वह सब कुछ समझने और बताने योग्य हो जाता है। अर्थात जिसको जिसकी जरूरत है, जैसे आप छात्र हैं आपकी जरूरत क्या है, स्टडी पढ़ाई, पढ़ाई के अंतर्गत जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछना समझना, ऐसे ही सबके पास कुछ ना कुछ जरूरत है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरा पर इस दुनिया में जिसके पास कोई जरूरत ना हो, जरूरत सबको है और इन जरूरतों को पूरा करना ही जरूरतमंद है और जो इसे पूरा करता है वह बड़ा होता है, जो नहीं करता है पूरा वह कभी बड़ा नहीं होता है चाहे उसके पास जितनी भी दौलत हो। छात्रों दौलत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, दौलत से हम अपने सोने के लिए एक बड़ा सा पलंग खरीद सकते हैं, बहुत सुंदर उस पर गद्दे बिछा सकते हैं मलमल के मखमल के, चादर बिछा सकते हैं, तकिए ले सकते हैं, परंतु दौलत से हम नींद नहीं खरीद सकते, दौलत से हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ले सकते हैं लेकिन खुशियां नहीं खरीद सकते, दौलत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, हम एरोप्लेन पर घूम सकते हैं, हम यहां वहां जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र हम विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी जापान फ्रांस इटली घूम सकते हैं, परंतु हृदय की शांति नहीं खरीद सकते। घर में अपने से बड़ों अपने से छोटों के बीच जो स्नेह प्रेम का आदान प्रदान होता है वह रुपये से नहीं खरीदा जा सकता, रुपये से तो वस्तु खरीदी जा सकती है, रुपये से हम रोटी सब्जी चावल दाल आदि इत्यादि खरीद सकते हैं परंतु भूख नहीं खरीद सकते और ना ही भूख मिटा सकते हैं रुपये से। अगर हमारे पास बहुत सारा रुपया हो लेकिन भोजन ना हो तो क्या मेरी भूख मिटती है, बहुत सोना चांदी हो मिटती है, नहीं मिटती। अर्थात रुपया से बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो भी बड़े नहीं है
अब फिर अगले पंक्ति में पूछते हैं कवि कि कौन बड़ा है, बड़ा कौन है कमजोरों पर क्या जो जुल्म किया करता है, डा और किना दिल में रख जलता हुआ जिया करता है। पूछ रहे हैं बड़ा कौन है कमजोरों पर क्या जो जुल्म किया करता है, बड़ा कौन है कमजोरों पर क्या जो जुल्म किया करता है, डाह और किना दिल में रख जलता हुआ जिया करता है, डाह और किना दिल में रख जलता हुआ जिया करता है। इसका अर्थ है प्रस्तुत कविता बड़ा कौन है के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति में यह कहा है कि बड़ा कौन है जो कमजोरों पर जुल्म करता है तथा ईर्ष्या जलन और बैर की भावना अपने दिल में रख खुद जल जल कर जिया करता है। जो दूसरों को जलाने की कोशिश करता है उसे तो अपने ही जलना पड़ता है। आप देखे होंगे एक छोटा सा उदाहरण, माचिस की तिल्ली पूरी दुनिया में आग लगा सकती है लेकिन पूरी दुनिया को जलाने से पहले उसे खुद जलना पड़ता है। वो जब तक नहीं जलेगा वह किसी को नहीं जला सकता। ठीक ऐसे ही हमारे समाज में लोग भी हुआ करते हैं, वह पहले खुद जलते हैं तब दूसरों को जलाने का काम करते हैं। एक गैस होता है छात्रों, ऑक्सीजन गैस, उसका नाम है ऑक्सीजन। आपने साइंस में पढ़ा होगा, विज्ञान में, ऑक्सीजन गैस एक ऐसा वो गैस है जिसके बगैर कहीं आग लगती नहीं और वो कभी आग में जलता नहीं। एक ऐसा गैस जिसके बगैर आग लगती नहीं और वो कभी आग में जलता नहीं। ऐसे ही हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, चापलूस किस्म के जो लोग हैं वो लोग इसी प्रकार में आते हैं। वह पहले जलते रहते हैं, वो जलते ही रहते हैं, वो तो माचिस की तिल्ली है, बिन बारूद के रगड़े ही जल जाते हैं कभी कभी, और जलने के कारण इतना जलते रहते हैं कि वह कभी इधर कभी उधर कभी वहां आग लगाते फिरते हैं, दो के बीच झगड़ा करवा देते हैं, जब झगड़ा हुआ तो अपने रफू चक्कर ऑक्सीजन गैस की तरह, अर्थात उनके बगैर कहीं आग लगती नहीं और वो कभी आग में जलते नहीं। वो तो स्वयं से जलते हैं, ज्वलनशील होते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं, ऊपर से तो अच्छी अच्छी बातें कहा करते हैं परंतु अंदर ही अंदर वह खोखले होते हैं, वह कमजोर होते हैं, वह डरपोक होते हैं, वह डरते रहते हैं इस वजह से कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। वह सबको मैनेज करते रहते हैं, सबको उनकी बात उनको झगड़ा करवाते रहते हैं। ऐसे लोग क्या बड़े हैं? कवि का कहना यही है, नहीं, कदापि नहीं हो सकते ऐसे लोग बड़े। भला कैसे हो सकते हैं? जो आज तक किसी का भला ना सोचे हो वह कभी बड़े नहीं हो सकते। वह दूसरों की बुराई के अंतर्गत अपना भी बुरा कर बैठते हैं इसलिए वह बड़ा नहीं हो सकते। तब बड़ा कौन है? आइए आगे की पंक्तियों में ढूंढते हैं कि बड़ा कौन है। उसके पहले एक बार हम लोग रिवीजन के अंतर्गत ले लेते हैं छात्रों, कविता के पाठ के अंतर्गत। बड़ा कौन है मुझे बताओ क्या जो हाथी पर चढ़ता है या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मढ़ता है, या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मढ़ता है। बड़ा कौन है मुझे बताओ
जिसके पास बड़ी दौलत है और गरीब मुहतजों से जिसको उतनी ही नफरत है। बड़ा कौन है, अरे बड़ा कौन है कमजोरों पर क्या जो जुल्म किया करता है। डाह और किना दिल में रख जलता हुआ जिया करता है। डाह और किना दिल में रख जलता हुआ जिया करता है। छात्रों, डाह का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन, और यह डाह का अर्थ, और किना का अर्थ होता है बैर, दूसरे के प्रति बैर रखना मन में किना कहलाता है। आइए अगली पंक्तियों में ढूंढते हैं छात्रों की बड़ा आखिर वास्तव में इस संसार में बड़ा होता कौन है। बड़ा कौन है क्या खुशामदी घेरे जिसे रहा करते हैं। बड़ा कौन है क्या खुशामदी घेरे जिसे रहा करते हैं। पूछो वे उसको या उसके धन को बड़ा कहा करते हैं। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है क्या खुशामदी घेरे जिसे रहा करते हैं। पूछो वो उसको या उसके धन को बड़ा कहा करते हैं। भावार्थ इसका छात्रों, प्रस्तुत कविता में बड़ा कौन है के माध्यम से कवि प्रस्तुत कविता में बड़ा कौन है कविता बड़ा कौन है के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति के में यह कहा है कि बड़ा कौन है। क्या वे लोग जिनके आसपास चापलूसी करने वाले लोग घेरे रहते हैं। बहुत सारे कुछ लोगों को देखिएगा, वो जैसे जहां बैठे वहीं आसपास में सब लोग बैठ जाते हैं। और तो और मैंने देखा है कुर्सियां ना मिली कोई बात नहीं, चटाई ही सही। चटाई ना मिली कोई बात नहीं, जमीन ही सही, हम तो यहीं बैठेंगे। अर्थात नेताजी घूमे गली गली, नेताजी जहां जाए मैं भी जाऊं वहीं। नेताजी बैठे ऊंचे स्थान पर और मैं बैठूं वहीं कहीं। वही चापलूस होते हैं। एक वो धनवान व्यक्ति, धन कुबेर, धनवान व्यक्ति जो होते हैं उनके आसपास ऐसे लोग मडराते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी नहीं उनके धन की चाहत होती है। क्या उन्हें बड़ा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बड़ा कौन है क्या खुशामदी जिसे रहा करते हैं। पूछो वे उसको या उसके धन को बड़ा कहते हैं। प्रस्तुत कविता बड़ा कौन है के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति में यह कहा है कि बड़ा कौन है, क्या वे लोग जिनके आसपास चापलूसी करने वाले लोग घेरे रहते हैं। जरा उन चापलूसों से पूछिए कि वे उन्हें बड़ा मानते हैं या उनके धन को। वे उन्हें बड़ा मानते हैं या उनके धन को, तो चापलूस बता नहीं पाएंगे। उनकी तो आदत में शामिल है चापलूसी करने की। चापलूस कैसे हुआ करते हैं? तो एक राजा महोदय ने कहा अपने मंत्री से कि मंत्री जी, ये बैगन का सब्जी बड़ा ही बेकार होता है, खुजली हो जाती है खाने से, ऐसे ही काला कलूटा लगता है बैगन। ये भी कोई सब्जी है भले, इसे तो एकदम सब्जी के जाति से हटा देना चाहिए, इसे तो खाना ही नहीं चाहिए, इसके जैसा बेकार चीज तो है ही नहीं इस दुनिया में। मंत्री जी ने कहा जी हजूर, बिल्कुल सही बोले आपने, सही बोला आपने, क्योंकि बैगन खाने से खुजली हो ही जाती है,
बिल्कुल बेकार सब्जी है यह। अगले दिन उस राजा के घर में बैगन का भरता बना, कलौंजियां बनी और राजा बैठे जब खाने तो उन्हें स्वादिष्ट लगा। और उस दिन अपने मंत्री महोदय से कहा उन्होंने कि मंत्री जी क्या लाजवाब सब्जी है बैगन, बड़ी बड़ा ही अच्छा लगता है। आह कलौंजी बैगन की, ओह उंगलियां चाटते रह जाते हैं हम, इससे तो बेहतरीन कलौंजी किसी अन्य चीज की बन ही नहीं सकती। तुरंत मंत्री जी ने कहा जी हुजूर आपने सही फरमाया, बैगन लाजवाब सब्जी है। ऐसे होते हैं चापलूस, हां तो हां ना तो ना, आप जो कहें जो तुम्हें हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, ऐसे ही होते हैं चापलूसों की जो बिना जो धूप में भी कह दे अगर उनके बॉस उनके मालिक उनके जिनके वो इर्द गिर्द मडराते रहते हैं कह दें कि ना अभी तो बरसात हो रही है, हाँ हाँ बिल्कुल ही आ क्या मैं भींग रहा हूं, ऐसी उपमाएं देते हैं। निसंदेह छात्रों वो वैसे लोग कभी भी उस व्यक्ति के जिसके आगे पीछे वो घूमते हैं उन्हें बड़ा मानकर नहीं घूमते, उनके धन को बड़ा मानते हैं, उनके धन की चाहत रखते हैं, उनकी चाहत नहीं रखते। अगले पंक्ति में आते हैं, ये भी बड़े नहीं हुए। अब आगे देखते हैं बड़ा कौन होता है भाई, बड़ा कौन है क्या हुआ है, बातें बड़ी बड़ी करता है। बड़ा कौन है क्या हुआ है जो बातें बड़ी बड़ी करता है किंतु काम करने वालों में उसका नाम नहीं रहता है। बहुत से लोग होंगे आपने भी देखा होगा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उठाने से उठे ना। अब एक व्यक्ति ने कहा कि एक दिन मैं अपने 5 मंजिले मकान के ऊपर खड़ा था और एक बड़ा सा बाज मुझे आ करके और मेरे पैटिज को मेरे रोल को मेरे हाथों से लेके भाग गया खाने के लिए, मैंने भी उसे छोड़ा नहीं और एक लंबी छलांग लगा के उसे आसमान में ही पकड़ा, उसके पंख उखाड़ कर मैं अपने में लगा लिया और उड़ते हुए आराम से अपने छत पर आ गया, जबकि वह बाज नीचे जमीन पर धाय से गिरा। ऐसी ऐसी बातें भला संभावना है क्या हो सकने की, इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन पता चला बाद में कि नीचे काम था इसलिए महोदय 5 तल्ला पर जाके बैठे हुए थे कि 5 तल्ला पर कोई चढ़ते चढ़ते थक जाएगा तो वो ना वो काम कर पाएगा, इस डर से वो काम ही करना उचित समझेगा, हमको बुलाना उचित नहीं समझेगा। क्या वो बड़े हैं जो सबसे ऊंचाई पर जाके बैठ जाते हैं छुप छाप के, कभी बड़े नहीं हो सकते। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है क्या वह है, बातें बड़ी बड़ी करता है किंतु काम करने वालों में, किंतु काम करने वालों में उसका नाम नहीं रहता है। भावार्थ है छात्रों इसका, प्रस्तुत कविता बड़ा कौन है के माध्यम से कवि इस पंक्ति में, कवि ने इस पंक्ति में यह कहा है कि बड़ा कौन है क्या वह जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन काम करने वालों की सूची में उसका नाम कहीं नहीं रहता है, अर्थात वो काम नहीं सिर्फ बातें करते हैं वो कहने वाले हैं। छात्रों 3 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं इस संसार में, 3 कैटेगरी के, एक वो जो सिद्ध कहते हैं वह बात बनाने वाले होते हैं, एक दूसरे वो जो सिर्फ काम को करते जाते हैं वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते सिर्फ काम करते हैं, और तीसरे वो जो जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं, वो
दोनों ही करते हैं, कहते भी हैं और करते भी हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तीसरे उदाहरण के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। बड़ा कौन है, क्या वह है, बातें बड़ी बड़ी करता है, किंतु काम करने वालों में उसका नाम नहीं रहता है। अगली पंक्ति में आते हैं छात्रों, नहीं नहीं ये बड़े नहीं है ना, नहीं नहीं ये बड़े नहीं है। ये जितने भी उदाहरण आए बड़ों के लिए वो बड़े नहीं है, ये तो बहुत गए बीते हैं। नहीं नहीं ये बड़े नहीं है, ये तो बहुत गए बीते हैं। नहीं नहीं ये बड़े नहीं है, ये तो बहुत गए बीते हैं। नहीं नहीं ये बड़े नहीं है, ये तो बहुत गए बीते हैं, ये तो हरदम और ही के दुख से सुख लेकर जीते हैं। अर्थात भावार्थ इसका देखिए छात्रों, प्रस्तुत कविता बड़ा कौन है के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति में यह कहा है कि बड़ा कौन है, नहीं नहीं ऐसे लोग बड़े नहीं होते, ये लोग तो बहुत ही नीच प्रवृत्ति के होते हैं। गए बीते शब्द का अर्थ हुआ नीच प्रवृत्ति का होना, नीच प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग, तो हमेशा दूसरों के दुख से सुखी होते रहते हैं। अर्थात दूसरे को जितना ही दुखी देखते हैं उतना ही इन्हें खुशी प्राप्त होती है। अच्छा हुआ है वो आदमी गिर गया, उसका टांग टूट गया, अब बड़ा फुटबॉल खेलता था, अरे भाई बेचारा तकलीफ में है और उसके बारे में अफसोस जताने के बजाय आप इस तरह की बातें करते हैं, तो भला कैसे आप बड़े हैं, नहीं हो सकते आप बड़े, ऐसे लोग बड़े कभी नहीं होते। अब बड़ा कौन होता है, आगे चलते हैं और ढूंढते हैं कि बड़ा वास्तव में कौन है, तब फिर कौन बड़ा है। अब कवि ने प्रश्न पूछा, तब बड़ा आखिर कौन है। वे लोग बड़े नहीं है जो लोग दूसरों से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वे लोग भी बड़े नहीं है जो बहुत धनवान होते हैं, वे बड़े नहीं है जो हाथी पर चढ़ के घूमते हैं, वे बड़े नहीं है जो दूसरों से ईर्ष्या जलन और बैर की भावना रखते हैं, वे भी बड़े नहीं है। वे तो अगले पंक्ति में कहा जा रहा है जो दूसरों के दुख से सुख लेकर के खुद को जिंदा रखते हैं, जीते हैं, तो फिर वास्तव में बड़ा है कौन भाई। आइए अगली पंक्ति में जवाब जरूर मिलना चाहिए, तब फिर कौन बड़ा है। बेशक यह सवाल की जगह यही है, तब फिर कौन बड़ा है, बेशक इस सवाल की जगह यही है, जो सेवा करता है सबकी बड़ा वही है, बड़ा वही है। तब फिर कौन बड़ा है, तब फिर कौन बड़ा है, बेशक इस सवाल की जगह यही है, तब फिर कौन बड़ा है, बेशक इस सवाल की जगह यही है, जो सेवा करता है सबकी बड़ा वही है, बड़ा वही है, जो सेवा करता है सबकी बड़ा वही है, बड़ा वही है। इसका अर्थ देखिए छात्रों, भावार्थ प्रस्तुत पंक्तियों में कविता में बड़ा कौन है के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति में यह कहा है कि तब यह सवाल यहां उठता है कि वास्तव में बड़ा है कौन, जो सभी की सेवा करता है, जो सबके हितों की रक्षा करता है, हितों यानी कि अच्छे अच्छाई की कामना करता है, वास्तव में वही बड़ा है, वास्तव में वही बड़ा है। बात तो सही है,
जो सेवा करता है, जो दूसरे के हितों की रक्षा करता है। अब अगर मान लो कि किसी को कोई रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई, तो मेरा चॉकलेट छीन के खा गया वो। अच्छा, चॉकलेट छीन के खा गया, अब उसको चॉकलेट की दुख है, तकलीफ हुई है, वो रो रहा है, हम उसे और डांट रहे थे, तो चॉकलेट बहुत बड़ी चीज हो गई है तुम्हारे लिए, वो खा गया तो खा गया, फिर अगले दिन खाना, या फिर ये करना उचित है, कोई बात नहीं बाबू, मैं अभी ला रहा हूं चॉकलेट, चॉकलेट ये लो, चॉकलेट खा लो चॉकलेट, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, यानी कि हंसने वाले को रुलाना बड़ा बरप्पन है या रोने वाले को हंसाना बरप्पन है, कौन सा बरप्पन है? क्योंकि ये तो तय है कि जिसमें बरप्पन है वही बड़ा है, वही बड़ा है। बरप्पन किसी का छीनने में नहीं, किसी को देने में होता है। सूरज, सूरज क्या इसलिए बड़ा है कि वह ऊंचाई पर रहता है? नहीं, रोशनी वह देता है तब संसार बड़ा कहता है। सूरज क्या इसलिए बड़ा है, सूरज क्या इसलिए बड़ा है कि वह ऊंचाई पर रहता है? सूरज क्या इसलिए बड़ा है कि वह ऊंचाई पर रहता है? नहीं, रोशनी वह देता है तब संसार बड़ा कहता है। नहीं, रोशनी वह देता है तब संसार बड़ा कहता है। अर्थ इसका है छात्रों, प्रस्तुत कविता बड़ा कौन है के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति में यह कहा है कि क्या लोग सूरज को इसलिए बड़ा कहते हैं क्योंकि वह ऊंचाई पर रहता है? नहीं, बल्कि इसलिए संसार बड़ा कहता है क्योंकि वह सबको प्रकाश देता है। रात के अंधेरे को दूर करने का काम कौन करता है? सूर्योदय, सूर्योदय अर्थात सूर्य का उदय। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सूर्य प्रकाश फैलाते हैं और चहुओं प्रकाश फैल जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, चाहे वो अंधेरा अधर्म का हो, असत्य का हो, अवगुणों का हो, ये सभी नष्ट होता है, ज्ञान का भंडार भर देता है, क्योंकि ज्ञान का घोतक प्रकाश ही है, प्रकाश का घोतक ज्ञान ही है। जब हमारे मन और मस्तिष्क दोनों जगह ज्ञान रूपी प्रकाश जब फैल जाता है तो स्वतः ही अंधकार दूर हो जाता है। छात्रों, इस पाठ को हम लोगों ने गायन विधि कविता पाठ के अंतर्गत भी किया। यहाँ पर यह कुल 8 पंक्तियां हैं, इन 8 पंक्तियों में प्रत्येक में 4-4 लाइन है, अर्थात 32 इसमें टोटल याद करने वाली बात हो रही है। तो छात्रों, इसको हम लोग गायन विधि से 1 से 2 बार अगर आप सुन लेते हैं वीडियो को तो अपने आप याद हो जाता है, और साथ साथ गाते हैं तो पक्का याद हो जाता है। आपने देखा भी होगा क्लास में, अगर साथ में आप शिक्षक के अपने अगर कविता पाठ को कविता पाठ की शैली से आप पढ़ते हैं तो गाने के रूप में धुन के साथ अच्छे से याद हो जाता है। आइए छात्रों, एक बार हम लोग शुरू करते हैं इसको उसी लयबद्ध तरीके से कविता पाठ करना। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है मुझे बताओ, क्या जो हाथी पर चढ़ता है या जो चतुराई से अपनी भूल दूसरों पर मढ़ता है। बड़ा कौन है वह अमीर क्या, बड़ा कौन है वह अमीर क्या जिसके पास बड़ी दौलत है और गरीबो मुहतजो से उसको जिसको उतनी ही नफरत है, और गरीबो मुहतजो से
जिसको उतनी ही नफरत है। बड़ा कौन है कमजोरों पर, बड़ा कौन है कमजोरों पर, क्या जो जुल्म किया करता है। दाह और किना दिल में रख कर, दाह दाह और किना दिल में रख, जलता हुआ जिया करता है, जलता हुआ जिया करता है। बड़ा कौन है क्या खुशामदी, बड़ा कौन है क्या खुशामदी, घेरे जिसे रहा करते हैं। पूछो अरे पूछो, अरे पूछो वे उसको या उसके, धन को बड़ा कहा करते हैं। पूछो वे उसको या उसके, धन को बड़ा कहा करते हैं। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, क्या वह है, बातें बड़ी बड़ी करता है, किंतु काम करने वालों में उसका नाम नहीं रहता है, किंतु काम करने वालों में उसका नाम नहीं रहता है। नहीं नहीं ये बड़े नहीं है, नहीं नहीं ये बड़े नहीं है, ये तो बहुत गए बीते हैं, ये तो हरदम औरों के, ये तो हरदम औरों ही के, दुख से सुख लेकर जीते हैं। ये पारासाइट है। तब फिर कौन बड़ा है बेशक, तब फिर कौन बड़ा है, तब फिर कौन बड़ा है बेशक, इस सवाल की जगह यही है। तब फिर कौन बड़ा है बेशक, इस सवाल की जगह यही है। जो सेवा करता है सबकी, अरे जो सेवा करता है सबकी, बड़ा वही है, बड़ा वही है। जो सेवा करता है सबकी, बड़ा वही है, बड़ा वही है। सूरज क्या इसलिए बड़ा है कि वह ऊंचाई पर रहता है, सूरज क्या इसलिए बड़ा है कि वह ऊंचाई पर रहता है। नहीं नहीं रोशनी वह देता है तब संसार बड़ा कहता है, रोशनी वह देता है तब संसार बड़ा कहता है, तब संसार बड़ा कहता है। छात्रों, इस कविता का मूल प्रतिपाद, मूल भाव यही है कि बड़प्पन ही बड़े का निशानी होती है, और बड़प्पन चापलूसी में नहीं, दूसरों के दुख में अपना सुख खोजने में नहीं, दूसरों को परेशान करने में नहीं, बल्कि दूसरों के हित करने में है, दूसरों का सहयोग करने में है, दूसरों की सेवा करने में है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, यह कहा गया है तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में भी, कि दूसरों के हित जैसा कोई धार्मिक कार्य हो ही नहीं सकता। अतः ये दूसरों की हित जो करता है, दूसरों की हितों की रक्षा जो करता है, दूसरों की जो सेवा करता है, दूसरों के रक्षा के लिए, दूसरों के हितों की रक्षा के लिए जो कोई भी कार्य करता है, वही बड़ा है, वही बड़ा है। आप क्या है यह तो निर्भर करता है आपकी सोच के ऊपर। आप किसी से जलते हैं, जलेसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष बैर की भावना रखते हैं, तो बड़े नहीं हो सकते। आपके पास बहुत धन है,
लेकिन वो धन किस काम का जब गरीब और जरूरतमंदों की आप सहयोग सेवा नहीं कर सकते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ऐसे फल लगने से, ऐसे बड़े ऊंचाई तक रहने से क्या फायदा है आपके बड़े होने से, जब आपके सामने कोई गरीब और जरूरतमंद बेसहारा को कोई सहारा नहीं मिल पाता आपके द्वारा। अतः छात्रों, अपने हृदय में नेक बातों को, अच्छी बातों को रखनी चाहिए, अपने विचारों का शुद्धिकरण होना चाहिए। विचार जब आपके अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, तो आपकी नियत, आपकी मानसिकता, आपके विचार, वैचारिकता सब कुछ शुद्धता को प्राप्त करेगी। आप दूसरों के हित की रक्षा के लिए सोचेंगे, आप दूसरों की भलाई सोचेंगे, और जब ऐसा काम करेंगे आप, तब आपको सिर्फ आप नहीं, आपको तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा संसार आपको बड़ा कहेगा। जिस प्रकार से सूर्य ऊंचाई पर रहने के वजह से बड़ा नहीं कहलाते, बल्कि वह अपने जल कर सबको प्रकाश देते हैं, तब उन्हें लोग बड़ा कहते हैं। बड़ा करने, बड़ा वही होता है जो त्याग की भावना को रखता है, जो दूसरों की सेवा की भावना को रखता है, अपने स्वार्थ की, अपने स्वार्थ और हितों की रक्षा को छोड़कर दूसरों के स्वार्थ, दूसरों के हितों की रक्षा करने वाला ही बड़ा होता है। धन्यवाद छात्रों, इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा, इंजॉय भी किया, और आशा करते हैं कि आप लोगों को याद जरूर हो गया होगा। थोड़ा बहुत आपके परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, वह थोड़ा सा अगर आप अपने घर पर इसको रियाज कर ले, हो सकता है मेरे लय से भी बेहतर लय आप दे दें, दे स्वागत है, और देने के बाद आप दुनिया को भी बताएं कि आपने एक अच्छा लय दिया है, आपने एक अच्छा कार्य किया है। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे।